तो गाइज आज है बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन, क्योंकि आज आने वाला है एक खास चीज हमारे घर पे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए तो पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बैंक पे, क्योंकि दो दिन पहले हमको मिला था एक चेक 10,000 का, उसको डिपॉजिट करवाना है, उसके लिए अभी जा रहे हैं फिलहाल बैंक। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, पहले बैंक का काम खत्म करते हैं, उसके बाद चलेंगे सरप्राइज की ओर। ये हम लोग का है चेक, इसी को लेके जा रहे हैं अभी बैंक पे। और इधर मेरा असिस्टेंट आ चुका है, लो पकड़ इसको, पकड़ पकड़ जो कि अभी हम लोग साथ में चलेंगे बैंक। यो गाइस, गिराना मत भाई, पकड़ो, टेंशन मत लो, उड़ेगी अभी। हम तो पापा की परे हम उड़ सकते, तुम पापा की परे नहीं उड़ सकता ना, अपना टेंशन रखो। लेडीज फर्स्ट, तुम मत आओ। और ये है हमारा बैंक नेवरी विकास में, पीछे बैंक ऑफ इंडिया। क्या दे देंगे पैसा? पता है मेरे गांव बसता नहीं, ये लोग भीख मांगते खत्म कर देता। रुपया कर दीजिएगा, इसके पास पैसा वैसा नहीं है, चल जाएगा भाग के। तो उतार दे। हम क्यों उतरे भाई, मेरा गाड़ी पारी बने के उड़े। हम तो उड़ लेंगे, तुम अपना सोचो। कितना लो? 50 क्या? हाँ ना, पहचानते हो ना? देख रहा है तुम मेरा पहुंच, तुम अंदाजा नहीं लगा सकता भाई। इसको लगा नहीं पहचानते, इसीलिए पूछ रहा है मेरा बेइज्जती करने के। ये हो गया, ठीक है, बाय। लोकेशन स्काई लार्क एक्सप्रेस कुरियर, यहाँ पे जाना, ज़्यादा दूर पे नहीं है, 450 मीटर। चलो चलो चलो, पता नहीं रांची में कितने ट्रैफिक लगते हैं, 3-4 बार हम लोग रुक गए और 180 मीटर पे हम लोग पहुँच जाएंगे कुरियर वाले सेंटर। और बड़ा वाला सरप्राइज है गाइस, हम लोग अपने मंजिल के काफी नजदीक है और थोड़ा सा दूर में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। हम चले बाहर में गुनगुनाती राह में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। गाइस देखिए, ये है स्काई लार्क, स्काई लार्क एक्सप्रेस कुरियर एंड कार्गो, यहाँ पे हम लोग का है कुरियर। और ये मेन रोड रांची में है, सुजाता चौक से पीछे में। चलिए अभी अंदर चलते हैं, हम लोग का सरप्राइज लेते हैं। खाली खाली हाथ आया तुम लोग? रांची का बहुत कम देखने को मिलता है इधर, अभी उतना ज्यादा ये नहीं ना, सारे कोई ना इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहे हैं, यूट्यूब में ज्यादा मेहनत लगता है ना, तो लोग ना उतना ज्यादा नहीं करते हैं। वो कल मीटअप भी हुआ तो हम प्रियंका दीदी बता दी थी कि वहाँ ज्यादा मेहनत लग रहा था, तो हम डिमोटिवेट होके छोड़ दिया। गाइस अगर आप लोग को भी लेना होगा ये प्ले बटन, अगर कोई भी कुरियर, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूरी होता है ना अंकल? अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है, लाख से ऊपर तब गया ना तुम्हारा? कुछ आना चालू हुआ कि नहीं? आता आता।
वो तो पहले चालू हो जाता है, ये 1 लाख होने के बाद प्ले बटन आता है। कभी तो कितना मतलब वो व्यूज के अकॉर्डिंग ये होता है। लमसम अगर आप कभी हंड्रेड डॉलर कंप्लीट हो जाएगा ना तो वो मतलब मंथली में हंड्रेड डॉलर चाहिए। हम लोग का जो नेवरी विकास है ना पोस्ट ऑफिस वहाँ तक आ जाएगा, लेकिन भैया बोल रहे ना कि कॉल आया था तो जाके लाना पड़ेगा, इसलिए फोन ले लो। और गाइस देखिए ये है सरप्राइज, उल्टा है ना, इधर आ जाओ तुम, गोली लगनी चाहिए। और इसको करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत 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 ज़्यादा वाला, खासकर मेरे को मतलब सबको लगता है। और ये फैमिली से लड़के, सोसाइटी से लड़के, सबसे लड़के मेरे को मिला है ये, और बहुत ज़्यादा बहुत ही से इसका इंतजार था। हम लेट से फॉर्म अप्लाई किए थे ना तो मेरे को लेट से रिसीव हुआ, और क्या पा के बहुत खुशी जाहिर नहीं कर सकते। फाइनली हम लोग का अमानत हम लोग के हाथों में, और अभी हम लोग चलते हैं कुछ खाते हैं। पहले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यही था गाइस सरप्राइज बड़ा सा, और रक्षाबंधन के लिए ड्रेस बनवाना है उसके लिए। चलिए हम लोग शॉप चलते हैं, कुछ नेट वगैरह सब लेना है। चलो भाई गाइस खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितना ज्यादा, और आप लोग में से किनको किनको खुशी हुई। अभी हम मेन रोड का चर्च रोड कॉम्प्लेक्स पे आए हुए हैं, जहाँ पे हमें हर एक चीज़ बनाने के लिए मीटर वाला कपड़ा मिल जाता है, जैसे कुर्ती बनाना हो, लहंगा बनाना हो, मतलब सब कुछ बनाने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कपड़े मीटर में मिल जाते हैं। अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं करम टोली पार्क, आज फर्स्ट टाइम हम आगे से एंट्री कर रहे थे तो हमेशा हम ना पीछे से एंट्री करते हैं। चोर लोग नहीं है, इधर बंद रहता है इसलिए पीछे से आने जाते हैं हमेशा। चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा आनंद ले लेते हैं यहाँ समा का। आप लोग हमारे राज्य का करम टोली पार्क घूमने आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और ये बड़ा कंजूस है, हम लोग गए जेलमोड़ पार्क, वहाँ 30 रुपया बोला टिकट का, तो ये गधा लिया नहीं टिकट, बोल रहे चलो फ्री वाला घूमते हैं। और अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं करम टोली पार्क, जो कि हम बार बार अगर इधर आते हैं तो आ लेते हैं, और एक दो ऐसा खेलने का नहीं ना है, बच्चा लोग के लिए बस अलाउ है, बच्चा लोग के लिए अलाउ है हाँ, लेकिन इसलिए तो कोई अच्छा है। और अभी हम लोग यहाँ अरे हेलमेट खोल ले दो, चलिए एक दो प्यारे प्यारे से फोटो ले लेते हैं मेरा अमानत के साथ में। झूला झूला वो हमको ये ना उड़ा देगा पक्का, स्वर्ग लो परी परी हूँ मैं परी। यो गाइस अभी तुमको उड़ा दे ऊपर। यहाँ पे हम लोग ले लेते कुछ अनार, क्योंकि दादी बोली थी अनार लेके आना, और अनार उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो हम लोग को बहुत ज्यादा जोर से भूख लगा था, और हम फिर से वही प्लेस में आ गए हैं जहाँ पे कल खाए थे, और कल कोई और भैया थे, आपके भाई थे क्या, है ना, हमको इतना ज्यादा तीखा दिया मेरा आँख से ऐसे ऐसे आंसू टपक रहा। और अभी हम लोग खाते हैं गाइस, भूख लगा है। हम लोग का मोमोज, मेरा फेवरेट मोमोज, खाना खा बहुत तीखा रहता, हम कल खाया ना आंसू गिरने लगा मेरा। इस मोमोज भले ही तीखा होता लेकिन खा खा के किसको मजा आता है जरूर बताइएगा। अरे वो सिल्वर बटन बेटू तो अभी बोरा तो जाएंगे बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग इसका, अभी नहीं खोलने, बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे चाची। खोल के दिखा देगी तब ना भाई, ये लोगों ने समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या है, नहीं YouTube वाला जो मिलता है ना सिल्वर बटन टांगो वाला, तो नहीं 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 मत, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तब खोलेंगे, चलिए आप पहले ना सब्जी बनाइए उसके बाद में। चाची अभी लौकी का सब्जी बना रही है भाई, आइएगा खाने सब लोग, चलो 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 चलो।
अभी आ चुके हैं हम घर पे और पापा ड्यूटी गए हुए हैं और शायद उधर से आने में उनको लेट होगा और मम्मा गई हुई है बाजार, तो अभी कोई भी घर पे नहीं है, बस हम और मेरी छोटी बहन है। तो अनबॉक्सिंग वीडियो मतलब किसी और वीडियो पे करेंगे क्योंकि सारे फैमिली लोग रहेंगे, सारे भी मिलके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अकेले करने में कोई भी मज़ा नहीं है। और मम्मा पापा रहेंगे तो हम लोग साथ में सबको करेंगे अनबॉक्सिंग। और गाइस ये मेरे को मिला एक साल का मेहनत करने के बाद में, बहुत लोग से बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ ताना सुनने को मिला इन दिनों में एक साल के अंदर में, लेकिन भी हम अपना हार नहीं माने, मेरे को करना है तो करना है। और ये अवार्ड मेरे को घर वालों से लड़के मिला, फैमिली में जितने भी हैं, फिर रिश्तेदार, सोसाइटी के जितने हैं, सारे लोग से लड़ने के बाद आज मेरे को फाइनली ये मिला है। हम किसी का बात नहीं सुनते, मेरे को करना था तो हम किए। और आप लोग भी अगर कोई जैसे होता है ना कि गांव का कोई कुछ कर रहा हो तो बोलता है कि आपकी बेटी ऐसी कर रही है वैसी कर रही है, तो आप लोग बिल्कुल मत सुनिए। आप लोग को जो मन करे, मतलब वैसे नहीं कि जो मन करे गलत चीज नहीं, मतलब जैसे मतलब होता है ना कि हम लोग गांव में वीडियोज बनाते हैं तो कई बार घर के लोग भले बोले ना बोले, बाहर के लोग बोलने जरूर आते हैं कि आपकी बेटी ऐसी कर रही है तो मेरे घर की बेटी लोग भी ऐसे करेगी, सीखेगी इससे, ऐसे बोल के। तो वो लोग बोलने का तो काम ही है, वो लोग बोलेंगे ही। अब मेरे को मन करता था वीडियो बनाने के लिए और मेरे पापा, खुद के पापा हमको ये मना करते थे वीडियो बनाने से कि गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, शादी कौन करेगा बोल के हम, और मेरे को वीडियो बनाने नहीं दिया जाता था। और हम जो कि मेरी मम्मा मेरे को सपोर्ट करती थी, उसी की बदौलत हम लगातार वीडियो बनाते रहे। साथ ही मेरे भैया जो है वो मेरे पापा से बात किए कि इसलिए कुछ गलत काम नहीं है, सोसाइटी का काम ही है बोलना, वो बोलेंगे ही और उन लोगों को बात को लेके चलना ही नहीं है। हाँ, तो उसके बाद में पापा को कुछ थोड़ा बहुत समझ आया तो बोले हाँ ठीक है करो। तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सुनने को नहीं मिलता, अभी भी बहुत कुछ सुनने को मिलता मेरे घर खुद से भी, लेकिन पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और क्या, और हाँ, आप लोग कभी भी किसी का बात सुन के, चाहे सोसाइटी का हो चाहे अपना रिश्तेदार, उन लोगों का बात सुन के आप खुद को डिमोटिवेट कभी नहीं कीजिएगा। आप लोग मतलब खुद को डिमोटिव कर दीजिएगा कि नहीं करना है तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाइएगा। और वैसे जैसे हम अभी अपने खुद के बात पे अड़े रहे कि हमको करना है इस फील्ड में, तो हमको करना ही है, और चाहे वो महतो घर से है या कहीं भी। जैसे कि आज कुरियर लेने गए तो भैया बोल रहे कि ये प्ले बटन जो है अधिकतर रांची से बाहर के लोगों के लिए आता है, रांची में ना बहुत ज़्यादा ही कम देखने को मिलता है। तो वही बात हो गई कि लोग जो भी यूट्यूबर होते हैं, जो भी चैनल स्टार्ट करते हैं, वो लोगों की बात को सुनकर खुद में डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो काम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग कभी भी किसी को बात को देर से नहीं लीजिएगा, उन लोगों को काम ही बोलना। जैसे कि मेरा भी चेक मिला था, आज तक मेरे को सुनने में मिल रहा है कि चेक मिला, सरकार को स्कॉलरशिप देना चाहिए, ऐसे वैसे। तो भाई झारखंड टूरिज्म का वही काम है, वो कराते हैं अपना, उनका क्राइटेरिया है, यही है उनका काम कि झारखंड के कल्चर को प्रमोट करना, वो करवाते हैं तब वो मेरे को दे, मेरे को नहीं मतलब जितने भी विनर्स हुए सबको दिए वो। हाँ, लेकिन ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। और अभी फिलहाल चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये सिल्वर प्ले बटन का बहुत दिन से ही इंतजार कर रहे थे और आप लोग के बीच जल्दी आएगा अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो आप लोग वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और गाइज हम लोग का जो यूट्यूब का फैमिली है बहुत ही अभी बड़ा हो चुका है क्योंकि 100K हो चुके हैं, सिल्वर बटन आ चुके हैं, साथ ही अभी तो 100K से मतलब प्लस हो चुके हैं क्योंकि हम अप्लाई नहीं किए थे तो बहुत लेट से आया है सिल्वर प्ले बटन जो कि पहले ही अचानक था। तो चलिए, आप लोग किसी का भी बात को सुनकर डिमोटिवेट मत होइएगा, हमेशा अपने दिल का सुनिएगा, हमेशा अच्छे कामों के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जोहार।